friend forever. A very good evening, everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. And welcome to our show, Best Friend Forever. आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस सिनारियों में हम इस वक्त रह रहे हैं, जो सिचुएशन है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क अप कैंपेन को एडहेयर करें. वी स्टिक टू दिस कैंपेन. बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे आसपास के लोग स्वस्थ रहें, हमारी फैमिली मेम्बर्स स्वस्थ रहें. और हम चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहकर अपने घरों में हमारा ये शो इन्जॉय करें अपने लव्ड वंस के साथ, और सही इन्फॉर्मेशन, इन खूबसूरत साथियों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचाएँ. ये हमारी मुहिम है. और सही इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे. आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं. मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूं इनसे. सबसे पहले हैं डॉक्टर विपिन चंद्रा शर्मा. ये एक वेटरनरी डॉक्टर हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और निपुण सरीन जी हमारे साथ हैं. ये हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड फोटोग्राफर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरीन जी. और हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि प्लीज़ हमें कॉल करें. हमारा फ़ोन नंबर है 011-2309-7532. हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछिए. सो हर बार की तरह इस बार भी हम अलग अलग तरीके के पेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो है बर्ड्स एज पेट्स. सो बर्ड्स के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं उनसे, जैसे फोटोग्राफी है, बर्ड वॉचिंग है, उनका ग्रूमिंग है, अगर घर में क्या हमारे को रख रखाव की ज़रूरत है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. कि आगे बढ़ने से पहले सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, मगर हमारे साथ एक खास फ्रेंड भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आप प्लीज इनके बारे में कुछ बताइए और हमारे दर्शकों से इनकी भेंट कराइए, इनसे इनका इंट्रोडक्शन करवाइए. सो ये हैं मिस्टर सिम्बा सिम्बरेश्वर. हमारे मेरी वाइफ ने राम नाम इनका रखा है सिम्बेश्वर. सो अलग अलग नाम तोड़ तोड़ के बताते रहते हैं वो. सो इज अ 3 month ओल्ड टॉय पूडल. And happy to say hi to all the guests here. And he is and very cute. Yes, he is here to talk about the birds with us. Yeah. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सिम्बा. मिस्टर सिम्बा, यू आर ऑल्सो वेरी 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 मच वेलकम. He winked at me. Right. The show is all about pets. And yes, birds नहीं आ पाए तो सिम्बा आ गए birds के बारे में बातें करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए. डॉक्टर, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक, वो बर्ड्स को लेके कितना एक्सपोजर हमारे इंडिया में आ चुका है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, प्लीज़ बताइए. इस यू नो इंक्रीज, पहले बहुत कम लोग जो है ना बर्ड्स रखते थे, आजकल काफ़ी लोग बर्ड्स रखने लगे हैं. स्पेशली जब जैसे मेट्रो सिटीज़ में स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, डॉग्स के लिए जो एसेंशियलिटीज़ में आती हैं, डॉग को दो बार घुमाना है और इतनी केयर करनी है, बर्ड्स को रिलेटिवली कम केयर चाहिए. और उनको कुछ बर्ड्स जो होती हैं केज बर्ड्स हैं, और उनको हम केज में रख सकते हैं, और उनका मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स थोड़ा कम है. तो इट्स ऑन हायर साइड, अभी लोग काफ़ी बर्ड्स रखने लगे हैं. ऐसे कौन से बर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको मोस्ट पॉपुलर कंपेनियन ऑफ ह्यूमन फ्लॉक्स कंसिडर किया जाता है? वेल, काफ़ी सारे लव बर्ड्स हैं, एंड आजकल घर में मोस्टली पजीज़ को रखते हैं जी, कुछ लोग मैकाओ रखते हैं, मैकाओ भी रखते हैं. हालांकि डॉक्टर साहब, हर पेट के साथ अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोज तो हमें पता है कि अटैचमेंट हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ हमारी फैमिली का एक पार्ट रहे, बट कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? बर्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको बहुत छुपाते हैं. मतलब इट्स सीरियसली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ए सिक बर्ड, बिकॉज जब तक वो प्रॉब्लम बहुत नहीं बढ़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा कि बर्ड बीमार है. ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है. तो आपको यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल और वेरी गुड ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए इसमें, क्योंकि बर्ड्स जब तक प्रॉब्लम बर्ड इस लेवल तक नहीं आ जाएगी वो आप उसके साइंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो बर्ड्स में उसकी आपको बर्ड ड्रॉपिंग्स को दिन में 2 या 3 बार चेक करना है, उसका रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग पैटर्न और उसके खाने का पैटर्न, सुबह उठ के जो यूजुअल वो एक्टिविटी कर रही है, जैसे सपोज कुछ बर्ड्स होते हैं दे चर्प, एंड कुछ बर्ड्स होते हैं वो
पर्चिंग बिहेवियर करते हैं, तो ये सब नहीं कर रहा है, तो आपको इनिशियल स्टेज में ही आपको अलर्ट रहना होगा। इट्स वेरी केयरफुली आपको जो है इसको वॉच करना होगा, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वॉच करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों को एक बात और बोलना चाहूंगा, दिस इज अ कॉलर, वी विल जस्ट गेट ऑन टू द कॉल, बट ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने बर्ड्स एज पेट रखे हैं तो कभी भी केज्ड बर्ड्स को रिलीज नहीं करिए, उनको उड़ाइए मत, छोड़िए मत, बिकॉज वो अपने लिए खाना नहीं ढूंढ पाएंगे, रह नहीं पाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन केजिंग बर्ड्स इज ऑल्सो नॉट वॉट वी रिकमेंड। तो अगर आप बर्ड्स पाल रहे हैं तो जितना बड़ा से बड़ा एरिया दे सकते हैं उनको उड़ने के लिए, जितना नेचुरल इन्वायरमेंट दे सकते हैं ये आप देने की कोशिश करिए। दैट्स ऑलवेज वॉट वी विल वॉन्ट यू एज अ पेट लवर एंड अ बर्ड लवर। उड़ीसा से कॉल है, उड़ीसा से मिस्टर अरुण हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सर मेरा ये सवाल ये था कि तोता पालते हैं घर में, तो हम जो ज्यादातर देखते हैं कि तोता का शरीर ठंडा पड़ जाता है। जी जी सर, तो क्या करने से हमें ठंडा पड़ जाता है शरीर, तोता का मतलब शरीर अकड़ने लगता है? जी 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 निपुण, इनका सवाल ये है कि ठंड के समय में, और नॉर्थ इंडिया में ठंड ज़्यादा ही होता है, उड़ीसा में भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो ठंड के समय में घर में अगर पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके रखरखाव के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज इट दैट यू विल एडवाइज? सी ऐसे टाइम पे, ठंड के टाइम पे आपको एक ब्लैंकेट या कुछ क्लॉथ से केज को कवर रखना चाहिए। एंड वैसे आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बर्ड्स को केज में रखें, आप उसको खुला रखना चाहिए। एंड उस इतना ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी में अभी एसी ना चलाएं, फैन ना चलाएं, हाँ, बट ठंड मतलब में ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेम्परेचर्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, एक न्यूट्रल टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। हाँ जी, जिसमें फिर उनको ठंड नहीं लगेगा और ये परेशानियां नहीं आएंगी। निपुण जी इज अ नोन फोटोग्राफर एज वेल, जो फोटोग्राफ्स हैं, आइए हम अपने दर्शकों को दिखाएं व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क निपुण जी हैज डन। वाकई में निपुण जी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आपने क्लिक की हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसी पिक्चर्स हैं जिनको आप देख करके मग्न मुग्ध हो जाते हैं। सो इंडीड इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या ये कहना गलत होगा निपुण जी कि अगर आप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पेट देन फर्स्ट पेट, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो फॉर बर्ड्स, क्योंकि कनेक्शन बनाना आसान होता है। Well, as a photographer I would never see a bird in a cage. And as per Indian wildlife act you can't keep birds as a pet. Jo aapko market mein milti hain all these are imported birds and these are rebred. Fir bhi agar aap as a ek bird le aaye hain as a pet ghar pe to ha aapko uska bahut dhyan rakhna padta hai. These are very sensitive creatures and you should treat them as a family. एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट यू एज अ फैमिली, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, यू नीड टू चेंज द वाटर ट्वाइस अ डे, आपको जो उसको खाना पसंद है वो अपने आप बर्ड आपको बताएगी। अच्छा, यस। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी होता है बर्ड्स के केस में मेडिकल चेकअप कराना टाइम, और क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मेडिकल चेकअप्स होते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर जो आप हमारे दर्शकों को गाइड करना चाहेंगे? थोड़ा वेरिएशन जरूर है इसमें, कुछ बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इसमें, जैसे कुछ बर्ड्स की लाइफ स्पेन भी कम होती है और कुछ बर्ड्स की लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो सेंसिटिव बर्ड्स हैं उनको आप मंथली या सिक्स मंथ में एक बार, थोड़ा वेरिएशन है, किसी किसी को आपको जल्दी दिखाना पड़ेगा और किसी किसी को वो दे लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाकी जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपको कोई भी अर्ली साइन आपको दिखता है तो उसको कभी इग्नोर मत करिए। आजकल बर्ड्स के मामले में जो अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की, और उसके साथ साथ वेट्स के पास भी फैसिलिटी अवेलेबल है, हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकर यू वॉन्ट बिलीव आजकल अल्ट्रासाउंड, ECG, CT स्कैन, एक्सरेज सब हो रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा ये संजीव, क्योंकि आप खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं, तो ये मुझे लगता है कि आपसे भी कुछ चीजें हम काफी कुछ नॉलेज आपसे भी हम और हमारे दर्शक गेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है संजीव?
देखिए बर्ड्स के लिए सही, हम सारे तरीके के जानवरों को ट्रेनिंग हमारे को बहुत एसेंशियल है, बर्ड्स के लिए भी जिसे हम कहते हैं टेमिंग, ट्रेनिंग की जगह ये वर्ड हो जाता है टेमिंग। तो बर्ड्स हो और भी तरीके के पेट्स हो, आप जितना इंटरेक्शन रखेंगे राइट, जब स्टार्टिंग से आप बर्ड लेके आते हैं अपने पास में, जितना आप उससे रोज इंटरेक्ट करेंगे, केज से निकालेंगे, जैसा निपुण जी ने भी बोला कि केजिंग इज समथिंग नॉट बी एनकरेज, बट एब्सोल्युटली आप जितना उनसे बाहर निकाल के इंटरेक्ट करेंगे उतना ही बर्ड भी आपसे फ्रेंडली होगी, अपना बीक आपको नहीं मारेगी, नेल्स नहीं मारेंगे, डर उनका खत्म होगा। तो इसको दिस इज द टेमिंग प्रोसेस। देखिए मैं इसीलिए इस चीज़ पे बहुत जोर देती हूँ कि हमारे साथ खुद एक एक्सपर्ट मेरे को होस्ट बन करके शो में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई थिंक दिस इंडीड इज़ अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प आवर व्यूअर्स ऑल्सो। इसी बात पे हमारे पास एक कॉल आई हुई है नैनीताल से, कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जी मैडम, मैं जानना चाह रहा था कि मैंने कबूतर पाले हैं ना जी, तो वो असल में मेरे पास दो कहीं से उड़ के आ गए थे, वो जंगली थे जी, लेकिन वो मैंने उनको दाना वाना दिया मार्केट से लाके, मैं उनको दाना पानी छत में रखा तो धीरे धीरे वो पालतू हो गए, तो अभी मेरे पास लगभग 35-40 है। अच्छा जी, तो लेकिन क्या है कि अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो कबूतर के जो नए बच्चे हो रहे हैं ना जी, डॉक्टर आपको इनकी मदद करनी होगी, बड़ी उन्होंने उम्मीद के साथ हमें कॉल किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि इनका न्यूट्रिशनल लेवल जो डाइट है वो आपकी ठीक है, क्योंकि कभी कभी इनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पैरासाइट्स, इन सब पे हमें गौर करना पड़ेगा। इनकी आप डीवॉर्मिंग करते हैं रेगुलर या? डीवॉर्मिंग जरूरी है उनकी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से देखिए उन्होंने बताया कि दो पिजन्स उनके रुके आए, तो ऑब्वियसली डीवॉर्मिंग और वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स, बिकॉज कैल्शियम बहुत जरूरी होता है जैसा आप जो आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन इनका सवाल का शायद हमारे पास कंक्लूजन इस एलिमेंट पे हो सकता है कि एक ही स्टॉक दो पेरेंट से ब्रीडिंग होते हुए, इनब्रीडिंग होते हुए, क्या ये रिजल्ट हो सकता है, ये वजह हो सकता है? नहीं, इनब्रीडिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम बर्ड्स में ये नहीं रहता है, बर्ड्स में नहीं होती है। और दूसरा जैसे अभी हम एक तो डेफिशिएंसीज को कवर करना चाहिए इनको, और जैसे रेगुलर जो मेंटेनेंस है जैसे डीवॉर्मिंग हो गई, और उसके अलावा जैसे कभी कभी इनमें टॉक्सिसिटीज भी होती हैं बर्ड्स में। मान लीजिए जैसे नया केज आपने खरीदा और उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन केज है, उस जिंक टॉक्सिसिटी होती है। इनका हम खाना बनाते हैं और टेफ्लोन, आजकल टेफ्लोन बड़ा टेफ्लोन बेस्ड यूटेंसिल्स बहुत यूज हो रहे हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। टॉक्सिसिटी और कुछ जैसे अभी हम वैसे डिस्कशन में आएगा ये कि काफी ज्यादा हम ग्रेन्स देते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए जी बिल्कुल, और एक डॉक्टर साहब इस सारी चीजों पे और थोड़ा और लाइट थ्रो करेंगे थोड़ी देर में। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वीडियो है राकेश खत्री जी, राकेश खत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है स्पैरोज के लिए, नेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है, काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बड़े खिताब तो मिले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, एंड ये पैशन मेरे ख्याल से हम लोग इस स्टोरी के थ्रू और लोगों तक तो पहुंचाना चाहेंगे, एंड यही मैं मानता हूँ कि राकेश जी का भी यही इंटेंशन होगा। बिल्कुल, तो आइए बहुत ही लविंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं ये। बर्ड जो है ना वो मुझे लगता है एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा मैसेंजर है, वो जो आपके संग कम्युनिकेट करता है नेचर को। अगर हमें नेचर की जरूरत है तो हमें नेचर के संग मिलना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा, और अगर हम थोड़ा सा भी नेचर को करेंगे तो 95% हमारे को जवाब देती है वापस का। जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहीं ये चिड़िया मिलती है। बदकिस्मती हमारी है कि हमारे दिल बंद हो गए, हमने अपने घरों को बंद कर लिया और ये हमारे पास से गायब हो गई। स्पैरो जो है पहले हमारा जो कच्चा घर था उसमें आते थे, घोंसला बनाते थे, अभी जो बिल्डिंग बन गया अभी हमसे दूर हो गया, हमारे साथ ही आगे बैठ जाते थे जब वो करते थे, जब हम गांव में होते थे शहरों में, और हमारे बच्चों ने वो चीज़ तो कभी देखी नहीं। हाउस स्पैरो जो घर में रहने वाली चिड़िया है, और अलग अलग नाम है उसके पूरे देश के अंदर, और ये सबसे खूबसूरत चिड़िया जिसका हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर है। गौरैया की चुंची में एक पूरा म्यूजिकल वर्ल्ड सिमटा हुआ है।
शायद ही किसी घर का आंगन ऐसा होगा जहां गौरैया की चीं चीं चूं चूं की मेलोडी न गूंजती रही हो। घोंसले और चिड़िया से मेरा बचपन से ही लगाव रहा और वो लगाव शायद बड़े होते होते बिल्कुल मेरा एक तरीके से पैशन बन गया कि इनके लिए घोंसले बनाना है और इनको बचाना है। छोटे छोटे एफर्ट्स के सहारे हम नेचर के इस ब्यूटीफुल बर्ड को वापस अपने घर आंगन में बुला सकते हैं। जाने माने फिल्म मेकर और पर्यावरणविद राकेश खत्री ने इस दिशा में कमाल का काम किया है। हमने बड़ी एक टीम बनाई अपनी अच्छी सी डेडिकेटेड और हमने 40 घोंसले लगा दिए और लगा के तो बहुत बड़ा काम हो गया, इस घोंसले में तो चिड़िया आ जाएगी। 15 दिन तक उसमें कोई चिड़िया नहीं आई। उन घोंसलों के ऊपर हमने नंबर डाले हुए थे, एक एक करके जब छाटना शुरू करा और 39वें नंबर पर पहुँचे तो उसमें 2 बुलबुल के बच्चे दिखाई दिए, बाकी 38 खाली थे। तो थोड़ा धक्का लगा, कुछ नहीं कहा कि ये अब इस स्टेज में आके आप लोग ये काम कर रहे हो, 17-18 साल के बच्चे करते हैं ये काम, आप लोग क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें मालूम था कि ये बहुत अच्छा काम है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तक कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया और उसने घोंसले के ऊपर बैठ के उसका मुआयना करा और वो फ्लाई बैक कर गया। थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया और उनके मुंह में तिनके थे। मुझे लगता है शायद वो एक बहुत बड़ी आशा की किरण थी जो दिखाई दी कि नहीं ये सक्सेस हो सकता है, और वो सक्सेस हुआ। एक्चुअली सभी सोचेंगे कि घोंसले बनाना कोई काम है और वो भी चिड़ियों के लिए घोंसले बनाना। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगा लोगों को कि ये घोंसले, अरे भाई घोंसले तुम क्यों बनाओगे, घोंसला तो चिड़िया बनाती है, पर मैं जिद पे था। लेकिन धीरे 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 वो चेंज होता चला गया, चेंज होता चला गया और मैं नेस्टमैन ऑफ इंडिया बनके आपके सामने बैठ गया। नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस राकेश के ये घोंसले इतने अट्रैक्टिव हैं कि इसके क्या ही कहने। बेसिकली घोंसला बनाने की जो R&D है वो सारी उन्होंने ही करी थी और उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि अगर मैं बाहर होता हूँ तो कम से कम वो घर के अंदर जो घोंसले बनाने का बाकी काम हम लोगों को लाइवलीहुड देते हैं वो संभालती है। साइड से टाई करते इनको बांधा जाता है, अगर हम इसको ग्लोब कहें ये ग्लोब जैसा बन जाता है। इसमें एक ये डोर है, इसको भी हम इसी में ऐसे बांधते हैं। ये स्टिक है, ये ठीक इस डोर के नीचे लगाई जाती है। यहाँ इसको चारों तरफ से कवर करते हैं और इसके ऊपर ऐसे जूट लगाया जाता है। फाइनल इसको बांधते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल तकरीबन सभी तरीके के अवार्ड में ले चुका। उसके बाद मुझे लगता है कि चिड़ियों का इससे ज़्यादा सौगात मेरे लिए और क्या हो सकती थी कि मैंने उन्हें एक मामूली सा घोंसला दिया और उन्होंने मुझे दुनिया ने अपनी पलक के ऊपर बैठा लिया। तो निपुण जी देखिए, बहुत ही टचिंग एक एलिमेंट देखा और ये हॉबी, एक पैशन को जैसे ये आगे ले गए, आपने भी अपना एक पैशन अपना नेक्स्ट लेवल ले गए इन स्पाइट ऑफ योर टर्मिनल इलनेस। प्लीज़ अपना थोड़ा बताएं ताकि आपसे और लोग इंस्पायर हो सकें। एंड यू आर अ फंटास्टिक फोटोग्राफर, सो क्विकली बिकॉज वी आर लूजिंग टाइम, वी हैव अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पाइट, यू नो आई एम, we need to discuss so many things, to jaldi se aap please thoda bataiye is bare mein. Well, it all started my father used to take us for photography trips and he gave me his camera to click. I was inclined towards these little wonder of wings and itne colorful birds the and how they used to make their nests and how they take care of their chicks and later on, as social media emerged, I came across our mentors' work, Ratika Ramaswamy and Jenny Maria ma'am. Right. Unke works dekhe maine, I got inspired and I wanted to click photographs like them. So, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये इंस्पिरेशन का स्रोत हैं सरीन जी, आप उन सभी लोगों के लिए
जो वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं। विपिन जी, आपसे ये सवाल रहेगा मेरा कि जब हम पेट्स लेकर के आते हैं, केयरिंग होती है उनकी, हमें हमारे पास टाइम भी होना चाहिए ताकि हम बेहतर बॉन्डिंग भी बना सकें। उससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ रूपश्री जुड़ रही हैं। रूपश्री, आप प्लीज अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैम, मेरे पास ना एक डॉबरमैन है जो कि अभी 7 मंथ का है, तो मुझे उसका एक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, एयर स्मेल भी आता है उससे, और स्टोमक इन्फेक्शन तो लाइक उसको रहता ही है। 7 मंथ? जी हाँ, 7 मंथ का हो गया है। हम लोग जब लेके आए थे तो वो अप्रॉक्स लाइक 26-27 डेज का था। देखिए, डोबरमैन ये, इसको हम लोग मजाक में छोटा घोड़ा बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसी ब्रीड है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए। आप जैसे हम सोचें कि हम घर में इसको बंद करके रखें तो वो कभी थ्राइव नहीं कर पाएगा, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। आप उसको अच्छी एक्सरसाइज दीजिए, मतलब आप नेचुरल न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है उसका ध्यान रखते होंगे, और टाइम टू टाइम उसकी डीवर्मिंग वैक्सीनेशंस वो आप ज़रूर करते होंगे, लेकिन आप इसको कम से कम भी दिन में 5-6 किलोमीटर्स का वॉक, और अगर पॉसिबल है तो इसको आप थोड़ा सा ट्रॉट भी दे सकते हैं, मतलब उसको दौड़ा सकते हैं। मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी एक पॉइंट है जी, जो कि हमें, मतलब खासकर डॉबरमैन की जब बात हो रही है, इट्स वेरी नेसेसरी। मुझे लगता है कि रूपश्री, काफ़ी हद तक आपको एक दिशा दिख गई होगी, यू हैव गॉट अ डायरेक्शन। मेरा जो सवाल था विपिन जी आपसे कि जब हम किसी पेट को लेकर के आते हैं, हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है, बॉन्डिंग होती है, बट क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर वो बॉन्डिंग या वो कनेक्ट ना मिले, खासकर अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी कि वो अग्रेसिव हो जा सकती हैं? जी, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं जी, और उसमें जो मोस्ट कॉमन साइन जो हम देखने को मिलते हैं, फेदर प्लकिंग, वो अपने बहुत ज़्यादा फेदर को प्लक करते हैं, और वोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, मतलब इतना कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमने गलती कर दी है पेट पाल के। तो इसके लिए हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं। बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले कि जो बॉन्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उसको एक हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। जैसे बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कुछ केज बर्ड्स हैं और कुछ फ्री बर्ड्स होती हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी इसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, मैक्सिमम हम इफ़ नॉट 100% हम मैक्सिमम उसको दे पाए, तो एक तो स्ट्रेस फ्री रहेगी और दूसरा आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग जब रहेगी तो ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं बर्ड्स और अपने आप को ज्यादा आपको बता पाती हैं। एंड डॉक्टर साहब, इसके साथ में मेरे ख्याल से ऑब्वियसली हम ये जानते ही हैं कि बर्ड्स बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ग्रूमिंग टिप्स है हमारे दर्शकों के लिए, तो वो ग्रूमिंग टिप्स प्लीज आप ध्यान से देखें, और इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल है तो प्लीज डेफिनेटली हमारे को कॉल करिए। कोमल फ्रॉम गुजरात इज जस्ट जॉइंड अस। कोमल जी, आपका सवाल। जी सर, बहुत थैंक्स, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा उसके लिए सबसे पहले तो। तो आपके पेट भी थैंक यू बोल रहे हैं हमारे को पीछे से, हम ये सुन पा रहे हैं। आपका सवाल पूछिए प्लीज। थैंक यू सो मच जी। जी सर, मेरे पास जर्मन शेपर्ड है, 14 महीने का उसका एज है जी। जी सर, उसको क्या 3-4 महीने पहले उसको क्या एक शॉक्स लग गया था करंट। ओके। तो उससे उसको पूरा वो सूजन जैसा आ गया, और फिर उसको एक आध महीने में ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गया। करंट कहाँ पर लगा? कौन से हिस्से में करंट लगा? कौन से हिस्से में करंट लगा है? जी मेरे को, मेरी फैक्ट्री में उसको करंट लग गया था मशीन से। तो सूजन पूरे बॉडी, सूजन जो है वो पूरे बॉडी में है या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में है आपका? नहीं नहीं सर, एक पार्ट पे था, वो ओके हो गया है। उसके बाद में क्या उसको नहलाना बंद कर दिया था उसके घाव होने की वजह से। जी जी जी। तो उसके पूरे शरीर में डिस्क बोलते ना, बहुत हो गए थे जी। तो आप क्या इनको एडवाइस देना चाहेंगे?
आपने जो सबसे पहले मुझे बताया स्वेलिंग बोला था आपने, टिक्स बोला था, स्वेलिंग हो गई थी पहले, स्वेलिंग हो गई थी शॉक लगने पे। तो मैं टिक्स का तो देखिए करंट लगने से जो नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल से अब तक तो ठीक हो गया होगा। एक आप अब उसकी जो नॉर्मल केयर है वो करिए, उसको टिक फ्री करिए, जो भी इसकी ग्रूमिंग हो सकती है और टिक के लिए जो मेडिसिन है आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से मिलके उसके मेडिसिन लगा दीजिए। आजकल लकीली स्पॉट ऑन मेडिकेशंस आ गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक बार कुछ स्पॉट ऑन लगा दीजिए या कुछ टैबलेट्स आ गई हैं वो खिला दीजिए। बट आपका एक पॉइंट मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, आपने बोला कि स्वेलिंग आ रही है उसको कहीं किसी बॉडी के किसी पार्ट में। देखिए करंट जो फ्लो होता है कभी कभी ये हार्ट के थ्रू फ्लो होता है, मतलब करंट एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे पॉइंट पे आता है, अगर हार्ट बीच में आ गया है और उसको स्वेलिंग आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट में कुछ डैमेज हुआ हो। स्वेलिंग तो ऑलरेडी ठीक हो चुका है लेकिन जैसा आपने एडवाइस किया वो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि वो टेक्निकलिटीज देखते हुए एंड लोकल वेट को उनको जरूर दिखाना चाहिए। इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो एक बार कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लें, इकोकार्डियो ईसीजी करवा लीजिए, क्योंकि जी 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 वो डैमेज कभी कभी परमानेंट हो जाता है जी, उसके लिए आप डॉक्टर से मिलके आप उसका हार्ट का पूरा इवैल्यूएशन करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा डॉक्टर विपिन ने बोला प्लीज टेक लोकल एडवाइस एज वेल। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ बस्टर हमारे पास है, आइए वो देखते हैं एंड फिर उसके बारे में बात करेंगे हम। पैरट्स टॉकिंग बर्ड्स के नाम से फेमस हैं। तोते बेहतरीन लर्नर होते हैं, हम जैसा बोलते हैं वही शब्द वो बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन कैसे? आप अगर ये सोच रहे हैं कि तोते के पास हमारी तरह वोकल कॉर्ड होता है तो जनाब ये सिर्फ एक गलत फहमी है, उनके बोलने का मैकेनाइजेशन अलग है। इनके गले में ट्रेकिया के नीचे सिरिंक्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। Whereas in humans, vocal cords is a part of a muscle on the side of the larynx, covered with special tissues that can vibrate at a high speed and are modulated by the larynx. तोते इसी सिरिंक्स के सहारे बोलते हैं। ये ट्रेकिया की गहराई और शेप बदलकर अलग अलग आवाज निकालते हैं, और हाँ वो कई आवाजें तो बिना होंठ और दांत का यूज किए बिना बोल लेते हैं। चलिए जरा बिना होंठ का यूज किए बोलिए पैरट। नहीं बोल पाए ना, तो है ना ये इंटरेस्टिंग कि बिना वोकल कॉर्ड के तोते कहलाते हैं टॉकिंग बर्ड्स। संजीव अभी बहुत इंटरेस्टिंग ये जो स्टोरी थी वो प्ले हुई मिथबस्टर की, मैं कोशिश कर रही थी तब से बिना लिप्स हिलाए बिना दांतों से मैं की मदद से मैं पैरट बोलूं, पर आई कांट स्पीक, यू वांट टू ट्राई? नो आई डोंट थिंक सो, आई वांट टू ट्राई एंड प्लीज, लेकिन आप लोग घर में जरूर ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी नोट पे इट्स टाइम टू रैप अप दिस शो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन निपुण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो टुडे। और अपने दर्शकों से आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई भी फनी या क्यूट वीडियोस अपने पेट्स के हों तो आप हमें भेजें, हम अपने प्रोग्राम पे वो वीडियोस जरूर चलाएंगे, हमको भी खुशी होगी आपको भी खुशी होगी। और एनी फीडबैक एनी सजेशंस इफ यू हैव फॉर आवर प्रोग्राम काइंडली राइट इन टू अस, आर ईमेल आईडी इज bestfriendforeverpets@gmail.com। प्लीज आप इस पर लिखिए और जो भी फीडबैक या सजेशंस हो हम तक भेजिए। बिल्कुल, एंड नेक्स्ट टाइम लेट्स एंटर द फेलाइन वर्ल्ड एंड हम कैट्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते फिर। ऑल द वे बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, अपना सेहत और अपने नियर सब लोगों के लिए, बहुत ही कॉशियस इन्वायरमेंट में हम लोग चाह रहे हैं आप लोग रहें एंड कॉशियसली आगे बढ़ें। ऑल द वे बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये बड़ी छोटी सी कहानी है कि गड़ी मांडू जंगल के अंदर में घोंसले लगाया करता था जाके, और एक बहुत बुजुर्ग से माली मुझे रोज देखते रहते थे। एक दिन जब मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे रोक के कहा कि इधर आइए। मैं उनके पास गया, बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब में से कुछ निकाला और मेरे हाथ में दिया, मैंने इज्जत की खातिर उसको हाथ बंद करके रख लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छा काम है कि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया, और आज से तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए। एक पानी का बर्तन और थोड़ा सा दाना, ये दो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण के लिए कि बर्ड्स को अगर वो मिलती हैं तो आप सोचिए उनकी खुशी कितनी होती है, उनका पेट भरता है। आप अपने घर के पास कहीं पार्क में कुछ धागे, कुछ तिनके, कुछ ऊन, कुछ रुई, ऐसी चीज़ें डाल दीजिए जो आपके घर में बेकार हैं, वो उनको लेके जाएंगे और अपना घर बनाएंगे।